हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये महिंद्रा अल्फा गाड़ी है और इस गाड़ी में सुबह से एक प्रॉब्लम आई हुई है। ये हमारे पंडित जी की गाड़ी है। अंकल जी, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई हुई है? ये झटके मारा है, मतलब सीधे जैसे चलते चलते गाड़ी झटके मारने लग जाती है। और बैक गियर में भी कोई प्रॉब्लम देती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, झटके मारा बस। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी चलते चलते जैसे झटका देकर गाड़ी चलती हो, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना पड़ेगा मिस्त्री जी? अगर हमारी गाड़ी चलते चलते जैसे सीधी गाड़ी, तो एक गियर का झटका हो रहा है। हाँ जी, एक तो गियर का झटका, हाँ जी, अच्छा, मतलब बैक गियर में प्रॉब्लम होगी तो हर गियर में झटका देगी। अगर गियर बगान देगी तो दूसरा गियर बगावे, एक ही गियर में देगी। अगर गियर में दिक्कत है तो जैसे पहले गियर में दिक्कत है तो पहले में झटका देगी, दूसरे में नहीं देगी। अगर सभी गियरों में झटका देती है तो सीधी सी बात है बैक गियर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों इस गाड़ी के बैक गियर में कमी है क्योंकि ये गाड़ी सभी गियरों में झटका दे रही है। देखो, रीजन की बात ये है कि हम आपको पूरा तरीका बताते हैं कि अगर गियर में दिक्कत होगी तो जिस गियर में दिक्कत है उसी में। तो दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो हमने कपलिंग खोलनी पड़ेगी भाई, जिससे हमारा एक्सल निकल जाए, एक तरफ हो जाए, साइड हो जाए। तो अगर आपने कुछ भी पूछना हो भाई, आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से आप जुड़ जाए। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना कि अगर हमारी गाड़ी सभी गियरों में झटका देती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, अपने बैक गियर का स्प्रिंग निकाल देना भाई। तो दोस्तों, पहले तो हमने अपनी कपलिंग निकाल लेनी है ताकि हमारा जो एक्सल है वो बाहर निकला है, ये वाला जो हमारी कपलिंग के साथ ज्वाइंट होता है। उसके बाद हमने स्प्रिंग निकाल लिया भाई, और फिर हमने तार निकाल देनी है और फिर हमारा बैक गियर का टप्पा खोल देना है। उसके बाद सारा बैक गियर डिफेंसर साइड हमारा बाहर आ जाएगा और साथ में ऑयल को बड़े ही आराम से निकाले नट खोल करके, जो कि हमारा गियर बॉक्स का ऑयल होता है। देखो, इस तरीके से सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। एक बार इस सब असेंबली को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद बताएंगे कि इस गाड़ी के अंदर बैक गियर में क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों देखो भाई, हमने गियर बॉक्स के इसके बैक गियर के डिफेंसर के अपने सारे नट खोल दिए और हमारा बैक गियर बाहर की तरफ आ चुका है। अब इसके अंदर हम कमी देखें, क्या ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से कि गाड़ी सभी गियरों में झटका दे रही थी। क्योंकि सीधी सीधी बात है, ये हमारे गियर का फॉल्ट तो नहीं था, क्योंकि गियर का फॉल्ट होता तो एक गियर में या दो गियर में झटका दे दी, लेकिन चारों गियरों में झटका दे रही है तो हमारे वो बैक गियर की प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर देखा है किस चीज में कमी है। दोस्तों, जब हमने इसकी गरारी को बाहर निकाला, देखो ये गरारी है जो इसके अंदर से निकली है, और इसकी कंडीशन देखो मिस्त्री जी, यहाँ से ये गरारी कटी हुई है जमा, देखो टूट चुकी है, घस घस कर झटका बन बन कर, है ना? किस वजह से टूटी है जी? ये अपने चैंबर में गल गई। हाँ जी, एक तो चैंबर में लोजिंग होगी। हाँ जी, ये यहाँ गल गई। हाँ जी, ये ऊपर नीचे में चला है, इसके यहाँ पर सेट होगी। आइए, ऐसी चलती है, ये इस पोजीशन में चलेगी जी। ये ऊपर नीचे करेगी जी। अच्छा, मतलब बैक गियर होगा तो ऊपर की तरफ कर देगी इसको, ऊपर की तरफ आगे चलेगी, आगे की तरफ चलेगी, और बैक गियर करेगी नीचे की तरफ कर देगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्प्रिंग दबा रहा है जिस गाड़ी ने, इन्हें ताकि गिराई नहीं ऊपर। अच्छा जी, मतलब ये गरारी खत्म होने की वजह से गाड़ी का अजेट हो गया, रबड़ गरारी ये ऊपर नहीं पहुंची भाई, ये नीचे रह गई। अच्छा, जिसकी वजह से कट चुकी है ये? देखो, ये डंडा इतना ही गया है, यानी पूरा क्यों गया, याद ही रही है, तो इस करके ये गाड़ी में झटका मिल गया पूरा। जिसकी वजह से दांदा खराब हो चुके और नहीं, अंदर से कितनी कट चुकी है? अंदर से बहुत कम कटेगी। तो इसके बाद हम भाई, इसके एक तो दोस्तों हमने गरारी चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये देखो ये असेंबली है जो कि इसकी पुरानी असेंबली है, कट चुकी है। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे इस तरीके से। पहले तो आपने इसके अंदर रबड़ डालने भाई, ताकि लीकेज नहीं होगी। और ये हमारी बैक गियर की असेंबली है, इसके अंदर ही वायर फिट होती है जी। और साथ में हमने बूस को चेक करना भाई, इसके अंदर जो बूस लगता है उसके अंदर पले होगी तो आपकी लीकेज मिटेगी नहीं है। देखो भी, इस तरीके से आपने इसको फिट करना है पूरा जोर लगा करके। और ये रही एक, ये रही, मतलब इस गाड़ी के अंदर उस गिरारी में और इस असेंबली में कमी थी। असेंबली में तो मतलब ये लीकेज थी जिसकी वजह से हमने इसको चेंज किया है,
और जो मेन कमी थी, जो झटके बना रही थी गाड़ी, उस गाड़ी गरारी के अंदर कमी थी। अब इसको हम फिट करके और दिखा देंगे ये फिट करने का प्रोसीजर क्या होता है, और जिस तरीके से आपने इसको खोला था उसी तरीके से आप इसको फिट करेंगे भाई। देखो भाई इस तरीके से इसके अंदर हमने डाले और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कर रहे हैं भाई उसी तरीके से आपने इसको फिट करना है। और वैसे अब का सभी का अपना अपना तरीका होता है किस तरीके से कौन फिट करता है, लेकिन फिटिंग का तरीका यही होगा भाई सभी का। पूरी अंदर तक जाओगी इसके अंदर, नीचे तक जाओगी पूरी, मतलब आधी उस साइड आधी उस साइड। चेक करिए एक बार, थोड़ी सी और ठोक दे। नीचे रह रही है थोड़ी सी, पूरी ठोक दे बस। ये कहाँ पर काम करेगी ये? आड़े अगले घंटे में, या मतलब है सीधे गियर में इस टाइम, और बैक गियर में छोटी करा रही, इसने बैक गियर में कन्वर्ट करेगी। ऊपर करिए, ऊपर करना, मतलब यह सीधे गियर में गाड़ी चल रही है, या मतलब सीधी चल रही है गाड़ी। अब इसको नीचे करिए, इसको घुमाओगे, मतलब फिर यह बैक, फिर यह बैक गियर में चले जाओ। मैं चल लगी ये गाड़ी उल्टे चक्कर कर रही है गाड़ी। ठीक है जी, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो कमी थी वो उस गरारी के अंदर ही थी, जिसकी वजह से गाड़ी झटके दे रही थी। तो आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस तरीके से आपने इस फिटिंग को खोला था उसी तरीके से आपने इसको फिट करना भाई, और जो कमी थी इसके अंदर बस यही थी। और कुछ भी पूछना हो दोस्तों आप हमें कमेंट करना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि इस चैनल पर भाई जेन्युइन कंटेंट होता है, कोई भी फेक कंटेंट नहीं होता। अभी इसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी ये झटके दे रही थी वो खत्म हो जाएगी। और देखो एक इसके अंदर ये जो हमारा असेंबली का, तो आपने नई पैकिंग लगानी है भाई, क्योंकि पुरानी पैकिंग फट जाती है, और जिसकी वजह से भी आपके लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। और राजीव बोर्ड लगा करके पैकिंग लगा देना, और इसके बाद आपने डिफेंसर को फिट करना, क्योंकि इसके अंदर जो कमी थी वो निकल चुकी है। और इस गाड़ी की ट्रायल लेकर और चेक किया जाएगा कि ये कमी जो इसके अंदर थी बैक गियर की, क्योंकि हमारे पंडित जी बहुत दुखी हो चुके थे। अब इस गाड़ी की कमी देखेंगे मिस्त्री जी, इस गाड़ी की कमी मिट जाएगी, ये आपकी गारंटी है इस चीज की। ठीक है, इस मिस्त्री की सकल ध्यान कर लेना भाई, ये गारंटी लेकर काम करते हैं। और देखो इस तरीके से आपने इसको फिट करना है, और जो सेम तरीका आपने खोला था, जैसे कि हमारा एक्सल के लिए हमने कपलिंग खोली थी, वायर खोली थी और नटों को खोला था, इन सभी चीजों को फिट करना है। और जो ऑयल आपने 1.5 लीटर ऑयल, कितना ऑयल डलेगा मिस्त्री जी गियर बॉक्स के अंदर? अगर गियर बॉक्स की सर्विस करते हैं तो 300 का लगा। अच्छा जी, अगर सारा गियर बॉक्स खुल गया है उसके बाद तो 1.5 लीटर। अच्छा, मतलब कंप्लीट गियर बॉक्स रिपेयर होता है जब 1.5 लीटर डलेगा, अगर हम गियर बॉक्स की सर्विस करते हैं तो 1300 पड़ेगा, क्योंकि 200 ग्राम रह जाता है इसलिए। ठीक है दोस्तों, आपने 1300 ऑयल डालना है जैसे हमारे मिस्त्री जी ने बताया। तो दोनों साइड की बर्फी डालनी है भाई आपने, क्योंकि उस साइड की बर्फी किस वजह से निकलती है मिस्त्री जी, गाड़ी को हम टेढ़ी करते हैं इस वजह से निकल जाती है। अगर डिफेंसर निकलेगा तो परली साइड की बर्फी निकल जाएंगी, तो आपने उस कपलिंग एक्सल की भी बर्फी इसके अंदर डालनी है। और इस साइड की तो हमने डाल दी थी, उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आपने डालनी है भाई वो भी। और फिर गाड़ी के अंदर आपने 1.5 लीटर 1300 तेल अपना गियर बॉक्स के गेज से चेक करना है, और
ऑयल इसके अंदर डाल करके अब इसकी ट्राई ली जाएगी कि ट्राई इसकी गाड़ी का रिजल्ट क्या रहता है, कि अब भी गाड़ी गियर में झटके मारती है नहीं लगाती, तो बने रही वीडियो में आप एंड तक। तो भाई गाड़ी और रस्सी लगा दी हमने, अब गाड़ी स्टार्ट है, अब इसके अंदर चेक करेंगे कि झटके लगाती है गाड़ी नहीं लगाती। अब भी टापा लगा दे अंकल इसका, बैक गियर बोलना गया।